बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी लर्नर पॉइंट्स। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम ई कॉमर्स मैनेजमेंट की हैंड जोन एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे, जो कि बैच नंबर 8 से रिलेटेड है। इसके टोटल मार्क्स 10 है, उसकी ड्यू डेट 17 दिसंबर यानी कि आज 2020 है। तो कैंडली ये सारी इंस्ट्रक्शन आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा। टाइम को सेव करने की खातिर हम डायरेक्टली प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर जाते हैं, उसको रीड आउट करते हैं। इन दिस एक्सरसाइज यू हैव टू कंप्लीट अ प्रपोजल दैट विल कन्विंस एन ऑनलाइन क्लाइंट टू अवार्ड यू द प्रोजेक्ट। इस एक्सरसाइज में आपने अपने एक ऑनलाइन क्लाइंट है उसके लिए एक प्रपोजल कंप्लीट करना है, जो उसको कन्विंस कर सके और आपको वो प्रोजेक्ट अवार्ड कर दे। अ क्लाइंट वांट्स टू मिग्रेट हिज शॉप टू एन ऑनलाइन स्टोर। जो क्लाइंट है वो अपनी शॉप को ऑनलाइन स्टोर पर माइग्रेट करना चाहता है। सेलेक्ट मोस्ट सूटेबल डोमेन होस्टिंग एंड ई कॉमर्स फ्रेमवर्क फॉर हिज साइट। आप तो उसकी साइट के लिए मुनासिब तरीन डोमेन होस्टिंग और ई कॉमर्स फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है। इंटीग्रेट अ पॉइंट ऑफ सेल जिसको हम यूएस कहते हैं सॉफ्टवेयर एंड लिंक हिज स्टोर विद हिज अमेजोन ईबे स्टोर। उसके स्टोर के लिए एक आपने पीओएस सिस्टम को इंटीग्रेट करना है और बाद में उसकी साइट को अमेजोन या ईबे स्टोर के साथ लिंक करना है, कनेक्ट करना है। तो टास्क क्या है हमारे पास, प्रपोज टू होस्टिंग सर्विसेज एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शॉपिफाई वू कॉमर्स मैजेंटा एक्सेट्रा लॉन्ग विद देयर प्राइसिंग एंड बेनिफिट डिटेल्स। कहने आपने दो होस्टिंग सर्विसेज और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बताना है या तजवीज़ देनी है, उसको प्रपोज करना है, उसके साथ साथ उसकी प्राइसिंग और बेनिफिट तफसीलात भी। वो प्लेटफॉर्म कैसे हो सकते हैं, शॉपिफाई वू कॉमर्स मैजेंटा एक्सेट्रा आपको एग्जाम्पल दी है। तो इसमें आपने सारी इंफॉर्मेशन इस टेबल में देनी है, कोई स्क्रीन शॉट का जिक्र नहीं है इसमें। दूसरा हमारे पास क्या है, विच ई कॉमर्स थीम विल यू सजेस्ट एंड फ्रॉम विच मार्केट प्लेस दैट थीम कैन बी परचेज। कौन सा ई कॉमर्स थीम आप उसके लिए तजवीज़ करेंगे और वो थीम आप किस मार्केट प्लेस से खरीदेंगे। प्लीज सजेस्ट थ्री थीम्स एंड प्रोवाइड नेम्स ऑफ द साइट्स फ्रॉम वेयर टू परचेज दीज थीम विद लिंक्स। कह रहे हैं आपने तीन थीम्स के नाम तजवीज़ करने हैं, तीन थीम तजवीज़ करने हैं, उनके नाम बताने हैं और किन साइट से इसको खरीदा जा सकता है और उनका लिंक्स भी देना है। और फिल द फॉलोइंग टेबल एंड प्रोवाइड स्क्रीन शॉट, ये सारा टेबल फिल करना है, उसके स्क्रीन शॉट देना है। तीसरा है कि विच प्लग इन आर एप्स यू विल सजेस्ट फॉर इन्वेंट्री सिंक्रोनाइजेशन एंड मैनेजमेंट विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जो आपने प्रपोज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किया है उसके लिए आपने कौन सा प्लगइन या ऐप तजवीज़ करेंगे जो उसकी इन्वेंट्री सिंक्रोनाइजेशन मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सके, हैंडल कर सके। तो इस टेबल को आपने फिल करना है और स्क्रीन शॉट देने हैं। चौथी टास्क हमारे पास क्या है, विच पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर प्लगइन ऐप यू विल प्रपोज फॉर व्हाट दैट कैन बी इंटीग्रेटेड विद योर सजेस्टेड प्लेटफॉर्म। कौन सा पीओएस सॉफ्टवेयर प्लगइन ऐप आप तजवीज़ करोगे मार्ट के लिए, जो कि आप उसकी तजवीज़ करदा प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस टेबल को आपने फिल करना है, उसके स्क्रीनशॉट देने हैं। लास्ट हमारे पास जो टास्क है, हाउ कैन यू लिंक योर सजेस्टेड प्लेटफॉर्म एंड प्रोडक्ट्स विद एन अमेजोन और ई बे स्टोर। कौन सा क्या कह रहे हैं प्लगइन या आप ऐप इस्तेमाल करेंगे जो आपका जो सजेस्टेड प्लेटफॉर्म है उसको अमेजोन या ई बे स्टोर के साथ लिंक करने के लिए। प्लीज प्रोवाइड दैट लिस्ट टू प्लगइन ऐप्स नेम एंड प्राइसिंग। तो आपने ऐसी दो प्लगइन या ऐप्स के नाम उसकी प्राइसिंग तजवीज़ करनी है, उस टेबल को फिल करना है उसके साथ, उसका स्क्रीन शॉट देना है। तो फाइनली एमएस वर्ड में आपने इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लिखना है। तो चलें अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और मैं गूगल ब्राउज़र पे जाके इस पर काम करता हूँ। आपको पहले ही बता दूँ कि मैं ऑलरेडी अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुका हूँ और साथ साथ आपको दिखाता जाऊँगा और साथ इंफॉर्मेशन देता जाऊँगा। तो पहले टास्क के मुताबिक जो मेरा पहला प्लेटफॉर्म है वो अली ड्रॉपशिप है। तो अली ड्रॉपशिप की वेबसाइट आपके सामने ओपन हुई हुई है। तो इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, बाय प्लगइन यानी आप खुद अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं या आप उनकी टीम की खिदमात लेना चाहते हैं। गेट कस्टमर स्टोर अगर आप इसको ओपन करते हैं तो अगर आप उनकी खिदमात लेना चाहते हैं तो आपके पास ये तीन पैकेजेस हैं।
तो पहला बेसिक है, एडवांस है, अल्टीमेट है। $299 की पर ईयर, आई थिंक पर ईयर ये, और $499 एडवांस है और $899 इसकी अल्टीमेट पैकेज है। होस्टिंग प्राइस कितनी है? $48 है। और तीनों पैकेज में होस्टिंग की प्राइस सेम है पर ईयर। तो मैंने जो बेनिफिट लिखे हैं वो मैंने ये वाले लिखे हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, बाकी आप इसको रीड आउट कर लें, जो मुनासिब समझे तो आप उसमें लिख सकते हैं। तो तकरीबन यहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहा है, एक यहाँ पे 50, 100, 200 पे, फिर एक यहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहा है और एक यहाँ 50, 15, 20 और 20, 25 ये नज़र आ रहा है। तो ये आप अपने उसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ अपनी फाइल पे। तो ये लीडरशिप है, तो ये मैंने यहाँ लिख लिया। एक चीज़ लीडरशिप का और बताता चाहूँ, तो ये अगर आप खुद बनाना चाहते हैं और इसमें एक्सपर्ट हैं तो आप ये $89 लिख के उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन डाल के अपने क्लाइंट को प्रपोज कर सकते हैं। तो इसकी भी जो होस्टिंग है वो सेम है जो पीछे बता रहे हैं, $48 पर ईयर्स की। तो गेट फ्री क्या कह रहे हैं वो, वर्डप्रेस सीएमएस सेटअप, इंस्टॉलेशन ऑफ अर्ली ड्रॉपशिप प्लगइन और एसएसएल सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ें आपको वो होस्टिंग के साथ दे रहा है, तो आप इसको भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अपने प्रपोजल में। तो फिर दूसरी मेरी क्या है जी, वूकॉमर्स है, तो उसके लिए मैंने होस्टिंग कौन सी ली है, साइटग्राउंड। तो मैं अपनी इस होस्टिंग साइट पर जाऊँगा, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो ये मेरी साइटग्राउंड की साइट ओपन मैंने की है, तो आपको मुख्तलिफ किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल जाए डिफरेंट प्लेटफॉर्म के हवाले से, वेब होस्टिंग है, वर्डप्रेस पे अगर आप ई कॉमर्स स्टोर खोल रहे हैं उसके लिए लग गया है, वो कॉमर्स की प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए होस्टिंग ये है, उसके चार्जेस डिफरेंट है, क्लाउड होस्टिंग के लिए डिफरेंट। तो मैं वो कॉमर्स की यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। तो तीन पैकेज है इसमें भी, स्टार्टअप है, ग्रो पिक है, गो गीक है। तो वैसे इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है 14.99 पर मंथ है, लेकिन डिस्काउंटेड में 6.99 पर मंथ मिल रही है, और इसकी डिस्काउंटेड में 9.99 पर मंथ है, लेकिन इसकी एक्चुअल प्राइस 24.99 है। आप इसको भी देख लीजिएगा, इस सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से उठाएं और अपने उसमें कॉलम में डाल दें, बेनिफिट्स वाले कॉलम में। तो मैंने एज इट इज ही किया, ये वो कॉमर्स है, उसकी प्राइसेस मैंने लिखी, होस्टिंग मैंने लिखा, साइटग्राउंड स्टार्टअप की लिखी मैंने, ग्रो बिग की और इस तरह गो गिग की मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दी। फिर दूसरा क्या था, स्क्रीनशॉट ऑफ सिलेक्टेड ई कॉमर्स थीम। तो हमने तीन थीम देने थे, उनका नाम बताना था, उनकी प्राइस बतानी थी और कहाँ से हमने उसको परचेज करना है। तो वापस चलते हैं अपने उस पे। तो ये अली ड्रॉपशिप का अपना ही वो थीम दे रहे हैं अली ड्रॉपशिप से, तो यहाँ लिखे अली ड्रॉपशिप ओरिजिनल प्लगइन। तो मैंने ये वाला प्लगइन सेलेक्ट किया, एंडी वारहोल। तो इसको जब मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो उसका मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया, अपनी फाइल में लगाया, उसकी प्राइस भी मैंने वहाँ टेबल में लिखी। तो अभी मैं जाके आपको दिखाता हूँ, ये ली ड्रॉपशिप एंडी वारहोल, उसका लिंक का कॉपी किया और यहाँ मैंने लगा दिया। फिर दूसरा मेरे पास किया जी, उसकी मार्केट प्लेस का जो था ये मैंने लगा दिया। सेकंड क्या था, प्रेस्टा शॉप था, प्रेस्टा शॉप का जाके देखते हैं। तो ये प्रेस्टा शॉप का वेयर हाउस, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, उसकी प्राइस मैंने टेबल में लिखी $99 और इसका यहाँ से मैंने लिंक लिया और अपने जाके फाइल में प्लेस कर दिया। तो ये देखें प्रेस्टा शॉप वार हाउस, उसका लिंक, उसकी प्राइस और उसका स्क्रीनशॉट। इसका थर्ड वन है मेरे पास मजेंटा है, मजेंटा पे जाते हैं। तो ये मजेंटा है, तो मजेंटा के लिए मैंने कौन सा थीम चूज किया जी, शॉपर। उसका ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया और उसका मैंने लिंक यहाँ से लिया, टेबल में फिलअप किया, उसका स्क्रीनशॉट वहाँ लगा दिया। अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ। तो ये देखिए मजेंटा शॉपर्स का लिंक और उसकी प्राइस और साथ ही उसका स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया। अब टास्क नंबर तीन है हमारे पास, क्या है, नेम ऑफ द टू प्लगइन्स आर ऐप फॉर इन्वेंट्री सिंक्रोनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो वो कॉमर्स और 3D कार्ड, मैंने एक नई वैरायटी डाली है
तो होना तो है, उसी के साथ रिसीव करें, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको बता रहा हूँ। वापस चलता हूँ मैं, अनफॉर्चुनेटली ये ओपन नहीं हो रहा। तो ये वो कॉमर्स का है, तो यहाँ से आप उसकी कॉपी ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें सॉरी, और वहाँ जाकर अपने उसमें प्लेस कर दें। तो मैं आपको जाके फाइल बताता हूँ। वी कॉमर्स वो प्लगइन $89, तो इसका मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया। फिर दूसरा थ्री डी कार्ड का था, तो मल्टी स्टोर सिंक्रोनाइजेशन है, उसकी प्राइस $49 पर मंथ, और ये उसका स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया। अभी जाके आपको वेबसाइट पे भी दिखाता हूँ। ये थ्री डी कार्ड ऐप का जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके लिए ये जो मल्टी मल्टीपल स्टोर सिंक्रोनाइजेशन का है, वो उसको मैंने यहाँ से क्या किया, स्क्रीनशॉट लिया और अपनी फाइल में लगा दिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास टास्क नंबर 4 है, नेम एंड स्क्रीनशॉट टू POS सॉफ्टवेयर प्लग इन ऐप फॉर द मार्ट। जो हमारा साइट है या मार्ट है उसके लिए हमने एटलीस्ट टू अपने प्रपोजल में सजेशंस देनी है। तो वो कॉमर्स और ओपन कार्ड मैंने लिया, उसमें थ्री डी कार्ड लिया, इसमें मैंने ओपन कार्ड ले लिया। ओपन कार्ड लेना जाए तो आप रेटी में इसको चेंज कर सकते हैं। अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अपने एक्सरसाइज को फिलअप कैसे करना है। तो यहाँ चलते हैं, अब जाके देखते हैं। ये हमारा वू कॉमर्स का है, ये देखिए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम फॉर वू कॉमर्स। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, वहाँ जाके आपने नाम लिखना है वू कॉमर्स, उसका ये नाम लिखना है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम फॉर वू कॉमर्स प्लग इन, उसकी प्राइस लिखनी है, उसका ये स्क्रीनशॉट वहाँ डाल देना है। अभी जाकर आपको दिखाता हूँ, इसके बाद में मैं फॉर्मेटिंग कर लूँगा। ये प्राइस डाली थी और ये उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया। अब ये स्क्रीनशॉट मैं भी आपको जाके दिखाता हूँ। टेबल में मैंने उसका नाम लिखा ओपन कार्ड, उसके बाद मैंने इस प्लगइन का नाम लिखा ओपन कार्ड पॉइंट ऑफ सेल, उसकी प्राइस लिखी टेबल में, और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट यहाँ प्लेस कर दिया। तो अभी मैं आपको ओपन कार्ड का बताता हूँ। ये ओपन कार्ड का है, यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लेना है जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, अपनी फाइल में प्लेस कर देना है। इसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 5 फिर लास्ट है, तो हमने कौन से दो टू प्लगइन या एप्स को बताने हैं जो कि आपकी हेल्प आउट करेंगे आपके स्टोर को या मार्ट को लिंक अप करने के लिए विद अमेजोन और ईबे। तो प्लेटफॉर्म मेरे पास वूकॉमर्स है और ओपन कार्ट है, तो जाके देखते हैं। तो ये वू कॉमर्स के लिए अमेजोन, उसके प्राइसिंग है फ्लेक्सी है स्टार्टर है प्रो है। तो यहाँ से आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और टेबल भी फिलअप करना है और वहाँ जाके लगा देना है। तो अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ। तो वू कॉमर्स का था, अमेजोन मैंने डाला, फ्लेक्सी $29 $59 और प्रो $99 मैंने डाल दिया, उसके साथ ही मैंने नीचे स्क्रीनशॉट डाल दिया। दूसरा मेरा ओपन कार्ट का है, ओपन कार्ड पे जाके देखता हूँ। ये मेरा ओपन कार्ड का है साइट, तो इस पर देखिए कितनी प्राइस है $249 है। इसका नाम क्या है, अमेजोन ओपन कार्ड इंटीग्रेशन। तो आपने वहाँ जाके लिखना है ओपन कार्ड प्लेटफॉर्म में, उसके बाद ये प्लग इन का जो नाम है या उसका अमेजोन ओपन कार्ड इंटीग्रेशन ये लिखना है, उसकी प्राइस लिखना है और लास्ट में उसके आपने स्क्रीन शॉट डाल देना है। जैसे कि ये मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट लिखा और टेबल में मैंने उसकी ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन